पांच सालों से ये बेड रेस्ट पे हैं, पिछले पांच सालों से। आप समझ सकते हैं कि जब पिछले पांच साल से कोई बेड रेस्ट पे हो तो उसकी जो माली हालत है वो कैसी होगी। ये एक ऑटो ड्राइवर थे और पांच साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था और तब से इनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो चुकी है और आज इस कंडीशन में है कि ये मैं दिखाना चाहूँगा, देखें, ये इस कंडीशन में है कि चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। और छोटे छोटे बच्चे हैं इनके दो, एक बेटा है एक बेटी है। तो जी साहब, दो बच्चे हैं हमारे, मकान किराए का है हमारा, कोई सहारा नहीं। वाले साहब का इंतकाल हो गया 4 महीने पहले है जी, वालदा का उससे पहले इंतकाल हो गया था। अब कोई कहीं से कोई मदद मिल जाए तो बस वही सहारा हमारा या ऊपर वाले का सहारा। तो किस तरह से चलता है साहब? बस हमारी घर वाली थोड़ा बहुत ये पर्स वगैरह सीती है, इसमें गुजारा हो जाता है, या गली वाले थोड़ा बहुत इधर उधर से दे दे, उससे गुजारा हो जाता है। और कुछ नहीं है हमारा आगे पीछे, किराए भी हम बहुत मुश्किल से निकालते हैं जी, किराए भी बड़ी मुश्किल से होता हमारा। परेशान ना हो आप, इंशाल्लाह अल्लाह सबके साथ में है, ठीक है ना, अल्लाह मदद करेगा आपकी, आप बेफिक्र रहें। हमने आपका अकाउंट नंबर भी अभी शेयर किया है। तो ये हादसा कैसे हुआ था भाई, आप पहले तो अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं पूरे मूल रूप से? अस्सलाम वालेकुम, मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मैं सवारी छोड़ कर आ रहा था, ये बुढ़ाड़ी वाला फ्लाई ओवर बना था, उस टाइम खाली गाड़ी थी, अगला गाड़ी का एक्सल टूट गया था जिसकी वजह से गाड़ी पलट चुकी थी, मेरी पीठ जो है फुटपाथ में लग गई थी जी। जब से हाथ पैरों की जान मेरी चली गई, ये पैर में बैट सोल भी हो गए मेरे, बहुत ये बैट सोल हो गए हैं। देखिए ये पाँच साल से ये इंसान इस हालात में है कि इसके, देखिए इस घर में ये इनका खाना बनाने का, तो ये खाना बनाने का इनका पूरा सिस्टम है। और इनकी जो वाइफ हैं वो देखिए किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं, किस तरह से अपने दो बच्चों को पाल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये मासूम मासूम दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फबीहा। तो फबीहा पढ़ते हो आप, परेशान क्यों हो, क्यों रो रहे हो बेटा? परेशान नहीं होते मेरे लाल। देखो ये छोटी सी बच्ची है और इसकी उम्र क्या होगी, आप देख सकते हैं इस बच्ची की उम्र क्या होगी। और रो मत बेटा, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा, इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फबीहा। देखिए ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोग ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने क्या देखा होगा यार, इन बच्चों ने अपने वालिद साहब से ये भी नहीं कहते होंगे पापा मुझे बाजार जाना है, पापा मुझे ये ख़रीद के लाना है, क्योंकि पता है ना उनको, उनको ये पता है इनके उनका वालिद उनका बाप किस कंडीशन में यहाँ पर है अभी पाँच सालों से। देखिए ये बच्ची है, इसको क्या पता। बेटा रोना नहीं, खुशी आएंगे इंशाल्लाह, है ना, हंस के दिखाओ पहले, मेरा बच्चा है ना, तो बहुत प्यारा बच्चा है, हंस के दिखाओगे? जब तक तुम हंस के नहीं दिखाओगे मैं आपको ऐसे बोलता रहूँगा। रोना नहीं है, हंस के दिखाओ, हंस के, बहुत प्यारा बच्चा। ये बेटा इनका, क्या नाम बेटा तुम्हारा? जैद। तुम भी रो रहे हो यार जैद, क्यों मुझे भी रुलाओगे क्या है बेटा, क्यों रो रहे हो? अल्लाह है ना करने वाला, कौन देता सेहत कौन देता बेटा, अल्लाह देता है ना सेहत, तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह है। तो परेशान ना हो, ठीक है। और ये देखो बच्चों, ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये आपका फ़र्ज़ है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। और इन कम से कम इन बच्चों के आंसू की तो कदर कर लें आप, इन बच्चों को तो देख लें आप, अगर आपके सीने में दिल है तो कम से कम
आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें आप। बेटा नए कपड़े कब पहने थे? रोना नहीं है बेटा मेरी जान, रोना नहीं है, हंस के। तुम्हारा जो चाचा है ना ये सामने जो बैठा है ना, ये हंसाने आता, रुलाने नहीं आता, समझ गए ना बेटा? ये रुलाने नहीं आता, ये हंसाने आता है, हंस के दिखाओ, ठीक है मेरी जान। नए कपड़े कब पहने थे बेटा? पहने थे कपड़े नए कपड़े? कितने दिन हो गए नए कपड़े पहने हुए? जब अब्बू ठीक थे। आपने भी तभी पहने थे मेरे बच्चे जब अब्बू ठीक थे? देखिए 5 साल हो गए हैं, 5 साल, 5 साल से ये जो बच्चे हैं ना इन्होंने नए कपड़े नहीं पहने हैं। पहनेंगे कहाँ से पहनेंगे? 2400 रुपये किराया है इनका, 2400 रुपये किराया है, और 2400 रुपये किराए के बाद में इनका अपना खर्चा भी है, तो ये कहाँ से यार, ये बच्चे कहाँ से अपना कुछ बोल लेंगे, कहाँ से कपड़े खरीद लेंगे, कहाँ से? इनके लिए तो इनका पेट भरना ही सब कुछ है, इनका ये पेट भर जाए ना खाली इनका, ये समझे कि हमें सब कुछ मिल गया, समझे ना। ये मेरा भाई है, देखो किस कंडीशन में है और क्या तकलीफ हो रही होगी इस भाई को कि इसके बच्चे इसके इस हालत में को देख रहे हैं। चलो ये वो इंसान है जो पिछले 5 साल से ये दुआ कर रहा होगा, या तो मुझे ठीक कर दे या फिर मुझे मौत दे दे। 5 साल का जो टाइम होता है ना बहुत लंबा टाइम होता है यार, बहुत लंबा टाइम होता है 5 साल। इसी आस में है कि कब अल्लाह मुझे ठीक करे, मैं अपने बच्चों में आ जाऊं, अपने बच्चों में रहूं। और सारी जिम्मेदारी इस वक्त जो है ना वो या तो इस 12 साल के बच्चे पे है या इनकी बीवी पे है। फरजाना के नाम से अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट मैंने भेजा है, आपको देख लीजिए। और इस इंसान की जितनी मदद हो सकती है मेरे भाई, जितनी भी मदद हो सकती है इसकी मदद कीजिए। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, दोनों बच्चे इधर आओ मेरे पास में। ये होते मुफलिसी, देखा इस चीज़ को कहते हैं मुफलिसी, कहते हैं इस चीज़ को। ये बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे कितने मासूम मासूम बच्चे देख रहे हैं ना आप, और इनके पीछे इनका वालिद साहब 5 सालों से ईद नहीं मना इन लोगों ने, 5 सालों से खुशी नहीं देखी इन लोगों ने, 5 साल से ये नहीं देखा कि कैसे ईद बनती है, कैसे बकरीद बनती है। बेटा रो क्यों रहे हो? देखो अभी चाचा है ना तुम्हारा, देखो अभी है ना आपको अल्लाह ना बहुत सारी दौलत देने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिर दौलत देंगे तो आपके अब्बू का इलाज होगा, खुशियाँ घर में आएंगी, ठीक है ना जी। ये बच्चे इस वजह से रो रहे हैं जैसे आप लगा रहे हो ना जी। जी हमारे अपने भी नहीं लगाते लोग ऐसे दौरे जी। जी जी आप अपने सीने से लगा रहे लोग अपने दौरे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि बेटा भाई मुशायद जैसे आप अपने सीने से इन बच्चों को लगा रहे हैं ना, कोई अपना नहीं लगाता, अपने रिश्तेदार नहीं इनको सीने से लगाते, छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई मैंने इनका अकाउंट नंबर डाला हुआ है, और बेटा चुप, मेरे बच्चे चुप हो जा। मैंने इनका अकाउंट नंबर डाला हुआ है, अकाउंट में जितना हो सकता है अपनी ज़कात, अपनी इमदाद, अपना सदका, जो आप देना चाहते हैं इस अकाउंट में भेजिए। ये अकाउंट इनकी बच्चों की अम्मी है, उनका अकाउंट है। अल्लाह देने वाला है, ठीक है ना, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह को पता है किसको क्या। अल्लाह नियत पे दारोमदार है अल्लाह का, ठीक है ना। अल्लाह ये देखता है कि मेरे बंदे की नियत क्या है, आज इस भाई को ज़रूरत है, आज ये मरने की कगार पर है। और ज़कात हम देंगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद, निकालो यार अपनी ज़कात निकालो, ऐसे लोगों तक पहुँचाओ, डायरेक्ट पहुँचाओ ऐसे लोगों तक। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक बहुत अदना सा छोटा सा पत्रकार हूँ, लेकिन ये जो दौलत है ना, ये जो दौलत है ये आपके साथ में कभी कभी नहीं जाने वाली, कब्र में कभी नहीं जाने वाली। आपके
मरने के बाद आपकी इस दौलत का क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? हराम करके उड़ा रहे हैं, हलाल करके उड़ा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। ये जो दौलत है ना, आपके निजात का जरिया बनेगी या आपके वबा का जरिया बनेगी, ये भी नहीं पता आपको। तो भाई इस परिवार की मदद करें, जितनी आपसे हो सकती है मदद करें। भाई ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है ना? और अल्लाह ताला ने आपको बस फरिश्ता बना कर भेजा मुजाहिद भाई। नहीं भाई, देखिए हम फरिश्ता नहीं है, ठीक है ना? हम फरिश्ता नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं, गुनहगार बंदा हूँ मैं अल्लाह का। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गुनाह किया है ना, तो मैंने किया है वो ना। और नहीं, और मुसाइद भाई आपकी बहुत वो है। मुसाइद भाई हम क्या होता है, हमारी नज़रों में तो आप क्या, भले कुछ भी कहते रहो, आप हमारी मदद करवा रहे हैं। खुद आपने इतने पैसे हमें दिए इलाज के लिए, खुद इतने पैसे हमें इलाज के लिए दिए। सोचता हूँ जो है वो लुटा दूँ, चाहे सब कुछ लुटा दूँ अपना, सच में। क्योंकि पता है ना मुझे कि ये चीज़ जुड़ रही है मेरी, ये बैंक ऐसे बैंक में जुड़ रहा है मेरा ये पैसा, कि जो बैंक कभी डूबेगा नहीं। नहीं, नहीं। अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, अल्लाह ताला आपका रखे, मेरा परवरदिगार आपको मदद करने वाला बना। मैं मेरी ना सबकी जो भी परेशान हाल, अल्लाह ताला आपको इस लायक बना, तो आप सबकी मदद करें मेरा परवरदिगार। चले इंशाल्लाह, अल्लाह सबके साथ में, सब लोग आपकी मदद करेंगे। और बच्चे आ जाओ, फाइनली आओ, हंस के तो दिखाना है ना। आ जाओ बेटे, जल्दी आओ दोनों। कभी हिम्मत नहीं हारनी है, पापा को अब्बू को अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो वीडियो देख रहे हैं। तो कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई, आपका एक शेयर इस परिवार के लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जितने कर सकते हैं। और इनका अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है, इनका अकाउंट नंबर, इनकी वाइफ का अकाउंट नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, उसमें आप जाके वहाँ पर मदद भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ये पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, कब्र में आपके साथ नहीं जाएगा। तो इस पैसे का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपसे भी पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि हमने आपको दौलत दी, हमने आपको शोहरत दी, आपने कहाँ खर्च की। तो शुक्रिया मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर झेला। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।